ग्राउंड में टीम मौजूद है सफीदों के अग्रसेन चौक पर। यहां देखा दो बाइक सवार युवक थे, उनको रोका है पुलिस ने, कागज चेक करे जा रहे हैं उनके। इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन जो लगा हुआ तो बाहर क्यों निकले हैं ये? भैया लॉकडाउन लगा हुआ आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? ये आरटीजीएस करवाने के लिए आए थे। तो बैंकों ने ये बोल रखा है कि बाहर ऑनलाइन सिस्टम से आप सारा काम कर सकते हो घर बैठ के? मेरे पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। ये तो पता ना आपको लॉकडाउन लगा हुआ पूरे देश में, फिर उसका क्यों नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे आप? नियम का पालन करते हैं। अभी पुलिस पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है? हम जो सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है। यहाँ देख सकते हैं एक और बाइक सवार योगी से जानते हैं, भैया लॉकडाउन लगा किस लिए निकले हो घर से बाहर? दवाई लेके आए हो? यहाँ जानते हैं जो पुलिस कर्मचारी मौजूद है यहाँ पे, देख सकते हैं आप पूरी सख्ती से यहाँ कहा जा रहा है इनको कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। कहाँ कौन सा घर है? यहाँ देख सकते हैं पूरी जानकारी ली जा रही है इनसे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और लॉकडाउन में क्यों निकले हैं, निकलने का क्या कारण था? सर जो लोग बाइकों में दोबारा नहीं बाहर निकलेंगे, यह देख सकते हैं वार्निंग दी जा रही है इनको, वार्न करके छोड़ा जा रहा है। मकान के अंदर ही रखो, अपने बच्चों को समझाओ, घर पर रखो, ठीक है ना? अब दोबारा सड़क पर नहीं मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं पब्लिक को समझाया जा रहा है पुलिस द्वारा के रोड पे ना घूमे, लॉकडाउन का नियमों को ना तोड़े ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सर किस तरह की क्या कार्रवाई चल रही है आज यहाँ? ऐसे है भैया आके जो ये चला हुआ है कोरोना वायरस जी, उसको देखते हुए पब्लिक को समझा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं सकता इसे काम करेंगे हम। तो देख सकते हैं काफी लोग जो बिना हेलमेट के बाइकों पे चल आ जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी के अनुसार आता है बंदा, उसको देख करके उसके हालात पूछते हैं, उसको जैसा भी होता है उसे वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई बिना किसी जरूरी काम के बाहर जैसे घूमता पाया जाता तो किस तरह कार्रवाई होगी सर? उसके खिलाफ चलान किया जाता है, अगर कागज ले रहा है तो उसको नगद पेमेंट के अनुसार, नहीं तो उसको गाड़ी को पाउंड करते हो। यानी पूरी सख्ती है पुलिस की। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बताया पुलिस ने कि जो भी कोई बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके वहाँ जो वाहन है इम्पाउंड किए जाएंगे, चलान काटे जाएंगे। आपको सारे हालात हम शहर के दिखाते रहेंगे जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ अग्रसेन चौक से। मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन से होगी। कार सवार युवक है, गाड़ी रोकी गई है और चेक किया जा रहा है, यहाँ देखेंगे किस तरह क्या कार्रवाई होती है। पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में अब नहीं है, लॉकडाउन का छठा दिन है और यहाँ चेक किया जा रहा है गाड़ी को अच्छे से कि कहाँ से आया था, इससे बात भी करेंगे अभी। क्या किया भाई साहब, चलान करोगे? कागज नहीं पाएंगे क्या पाए? भैया लॉकडाउन था, आप घूम रहे हो बाहर? भाई साहब बेचरी पे जाना मजबूरी है, वहाँ पे मुर्गियाँ पड़ी हैं 50,000, उनको देखना भी है, कौन देखेगा उनको बताओ, उनका फीड का देखना, पानी का देखना, परमानेंट में तो 2 दिन में हो जाए, 3-4 दिन आगे वापस आपके बंदे लगे हुए हैं। यहाँ देख जाए समझाया जा रहा है कि बाहर ना निकलें, किसी भी तरह से जो कार्य हैं वो घर से ना निकलें, और यहाँ चालान काटा गया है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।